हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं में आ गए लेकिन अभी तक फिजिक्स शुरू ही नहीं किया, पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया फिजिक्स को। और क्या क्या उसमें सिलेबस रहता है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें कवर अप करना है, ये अभी तक हमने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो अब उसके लिए हम हैं। हम आपको फिजिक्स का कम्प्लीट सिलेबस यहाँ पर हम कराने वाले हैं। और आज की क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ आपके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके ब्यूटीफुल से चैनल OWE एकेडमी में आज का ये लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की, जिसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो सारा का सारा हम आज कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट बुक में हमें कहाँ से कितना आएगा ये भी हम सारा कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हमारी जो बुक फर्स्ट है उसके अंदर मेन हमें पढ़ना क्या है, वैद्युत चुंबकत्व। क्या पढ़ना है हमें, केवल वैद्युत चुंबकत्व को हमें स्टडी करना है। और वैद्युत चुंबकत्व के दो हिस्से होते हैं, दो पार्टों में डिवाइडेड है ये। किस किस में? पहला है आपका स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा है आपका स्थिर चालन। स्थिर वैद्युतिकी क्या है इसके बारे में समझेंगे और स्थिर चालन क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर कितने चैप्टर हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आपके दो चैप्टर हैं, जिसमें आपका वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश पहला चैप्टर है और दूसरा आपका है वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, ऐसे ही जो आपका दूसरा पार्ट है इसका स्थिर चालन, इसमें चैप्टर है आपका सबसे पहले वैद्युत चालन और उसके बाद है EMI और उसके बाद है AC। ठीक है, और यानी अल्टरनेटिंग करंट और EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और ये आपका प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी क्या है। चैप्टर फर्स्ट में स्थिर वैद्युतिकी क्या है, देखिए वर्ड से ही पता चलता है स्थिर का मतलब क्या होता है, रेस्ट। स्थिर का मतलब क्या होता है, रेस्ट। ठीक है ना, यानी कि रुका हुआ। और विद्युत, विद्युत मतलब कि आवेश, विद्युत मतलब आवेश कह लीजिए, या फिर एक तरीके की एक ऊर्जा होती है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको पूरा बेस। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है, जिसके अंदर हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये किसकी शाखा है सर, भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में विद्युत, हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज का क्या, विद्युत। विद्युत क्या है उसके बारे में हम समझेंगे कि विद्युत क्या है। थेल्स के अनुसार विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण पदार्थ में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी आप लोगों ने ऐसा जरूर किया होगा कि जैसे कि कोई गुब्बारा है उसको अपने बालों में रफ कीजिए, या फिर कंघा है उसको अपने बालों में रफ कीजिए, उसके बाद में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाइए, तो उसके अंदर जो गुण आया है, जो एनर्जी उसके अंदर आई है उन छोटे छोटे टुकड़ों को उठाने की, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, विद्युत क्या है, एक ऊर्जा है। और दूसरी भाषा में यानी दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं विद्युत जो है एक तरीके से क्या है, एक आवेश है। विद्युत क्या है, आवेश।
ठीक है ना, या फिर विद्युत क्या है, एक ऊर्जा। दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। यानी कि थेल्स ने क्या कहा था कि विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण पदार्थ में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, ये थी विद्युत। अब है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे हमें पूरी ये फिजिक्स है ना, ये फर्स्ट बुक जो कि हमारी आवेश पर ही चलने वाली है, जिसमें आपके ये पहले दो चैप्टर तो खैर पक्का चल ही रहे हैं जो कि पूरा स्थिर आवेश पर ही डिपेंडेंट है पूरा। ठीक है ना, तो मेनली अब हम समझते हैं आवेश क्या है, विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश जो है वो पदार्थ का या किसी वस्तु का एक मूलभूत गुण है। ठीक है, मूलभूत गुण मतलब कि उसके जैसे मूलभूत गुण कौन सा होता है कि किसी भी वस्तु में उसके अलावा कोई और चीज है ही नहीं, उसको हम कहते हैं मूलभूत गुण। ठीक है ना, जैसे कि द्रव्यमान भी एक क्या है, द्रव्यमान भी एक मूलभूत गुण है जो कि पदार्थ के अंदर होता ही होता है। ये पेन है, इसके अंदर द्रव्यमान है, मैं कहूंगा क्यों है भाई, तो इस पे हम क्यों कैसे ये नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है, यानी कि इस पे कोई भी क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगा सकते, ये अंदर उसके पहले से ही है ये प्रॉपर्टी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो आवेश क्या है, आवेश पदार्थ का मूलभूत गुण है। आवेश क्या है, पदार्थ का मूलभूत गुण है, मूलभूत गुण है जिसके द्वारा पदार्थ वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव करता है। यानी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे मैंने अभी अभी बताया द्रव्यमान भी क्या है, एक मूलभूत गुण है पदार्थ का। इस मूलभूत गुण के द्वारा पदार्थ क्या कर सकता है, एक तो गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कर सकता है, गुरुत्वाकर्षण क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, और दूसरा इसको अनुभव भी कर सकता है। क्या भी कर सकता है, इसको अनुभव भी कर सकता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी में द्रव्यमान है तो उसके अंदर क्या है, जैसे मानिए ये पेन है, अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो इसको पृथ्वी ने खींचा गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, द्रव्यमान की वजह से। ठीक है, और ये वस्तु आकर्षित हो रही है इसकी तरफ। ठीक है, अगर हमें गुरुत्वाकर्षण अनुभव भी करना है तो उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होगी, द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस पेन में भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। ठीक है ना, तो द्रव्यमान जो मूलभूत गुण होता है उसके द्वारा क्या कर सकता है कोई पदार्थ, गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कर सकता है या अनुभव कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही विद्युत आवेश भी एक गुण है पदार्थ का, जिसके द्वारा पदार्थ क्या कर सकता है, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये था विद्युत आवेश। ठीक है, नेक्स्ट कॉपी पेन निकाल लीजिए, उस पर नोट करते चलिए। अगर फिर भी कोई बच्चा ऐसा है कि सर हम नोट नहीं कर सकते, तो आप हमें उसके लिए कमेंट करें और हम अपना जो है व्हाट्सएप नंबर उसमें दे देंगे, जहां से आप इसके नोट्स, इस लेक्चर के नोट्स आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर आप खुद से लिखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि खुद के लिखे हुए नोट्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार जो है, विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं, विद्युत आवेश के प्रकार दो होते हैं, दो प्रकार होते हैं, नंबर एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश।
विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं, एक धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। ठीक है, देखिए कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है उसके ऊपर जो है आवेश कब उत्पन्न होता है? हालांकि ये तो पदार्थ का क्या है, मूलभूत गुण है, ये पहले से ही उसके अंदर होता है, लेकिन हम इसको अनुभव कब करते हैं, इसको हम अनुभव कब करते हैं कि उसके अंदर आवेश है? तो उसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम जो कंघी है उसको अगर हम बालों में रफ करें, बालों में रगड़ें अगर उसको हम, तो उसके बाद वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाने लग जाती है। तो उसमें ऐसा हुआ क्या कि वो पहले तो छोटे कागज के टुकड़ों को नहीं उठा पा रही थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको बाल में रगड़ा, रगड़ने के बाद में वो उनको उठा पा रही है। तो उसमें हुआ क्या बेसिकली कि जो कंघा है, मान लीजिए ये कंघा मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, कंघी या कंघा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको जैसे आपने रफ किया तो इस पे क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन आए या कुछ इलेक्ट्रॉन गए। आवेश कब उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, ठीक है ना, तब ये आवेश उत्पन्न होता है। और उसी कारण आवेश कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, अब हम समझते हैं कि धनावेश क्या है, धनावेश क्या है। देखिए जैसा कि पिक्चर है आपके सामने, इसमें आप समझ सकते हैं ये बंदा कौन है, ये एक धनी है, ठीक है ना। और इसको हम धनी क्यों बोल रहे हैं, इसको हम धनी क्यों बोल रहे हैं, इसका एक रीजन है कि ये इसको क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, ये इसको क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, ठीक है। ये इसको क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, ठीक है। तो ये धनी हो गया, तो धनी होने का मतलब क्या हुआ कि जब ये अपने पास से पैसे इसको दे रहा है तो इस पर पैसे कम होते हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे। मान लीजिए इसके पास में अभी 1,00,000 रुपए हैं, ठीक है, कितने हैं, 1,00,000 रुपए, और इसने जो है इसने इसको दे दिए 10,000 रुपए, ठीक है। तो इस बंदे पर जो पहला वाला है जिसको हम धनी कह रहे हैं, इस पर क्या होगा, 10,000 रुपए कम हो जाएंगे, इस पर 10,000 रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये कैसा बन गया है बंदा, धनी बन गया है। तो मतलब पैसों को समझ लीजिए आप क्या, इलेक्ट्रॉन, पैसों को आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे इस पे, पहले वाले बंदे पर जिसको हम धनी कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जब इस पर कम हो रहे हैं इसी वजह से क्या माना जा रहा है, धनी माना जा रहा है, क्योंकि ये पैसे इसको दे रहा है और इस पर पैसे क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है ना। तो पैसे देने से ये हो गया धनी, और जो ले रहा है वो कौन होता है, ऋणी, ये कौन हो जाएगा, ऋणी, ठीक है, जो कि इससे पैसा ले रहा है। अच्छा, इस पर पैसे बढ़ जाएंगे, पहले इस पर एक भी कुछ भी नहीं था इस पर, अब इसने इसको 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है, यानी कि 10,000 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पहले धनावेश की। धनावेश जैसे कि ये बंदा क्या बनाए, धनी बनाए, तो कब बनाए, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश क्या होता है, धनावेश कहलाता है। क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ये धन आवेश कहलाता है। कब, जब इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, इस पे कमी हुई, पहले व्यक्ति पर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तभी तो धनी माना जा रहा है, पैसे देने लायक है, ठीक है। ये थी धनावेश की बात। तो नेक्स्ट है ऋणावेश। ऋणावेश में इस दूसरे वाले व्यक्ति ने पहले से 10,000 रुपए लिए, तो इस दूसरे व्यक्ति पर 10,000 रुपए बढ़ गए,
यानी अधिक हो गए, इस पे पहले कुछ नहीं था, जीरो बिल्कुल, नील बट्टा सन्नाटा था ये बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो इस पे 10,000 रुपये क्या हो गए, अब ज़्यादा हो गए। तो अब आप कह सकते हैं जो ऋणावेश होता है वो कब आता है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋण आवेश कहलाता है, ऋण आवेश कहलाता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऋण आवेश। जिस भी वस्तु पर आएगा, जिस भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उस पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट विद्युत आवेश के गुण। क्या क्या गुण हैं विद्युत आवेश के, तो पहली बात कि इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है इसका, इसका जो मात्रक है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और तीसरी बात है मात्रक हो गया इसका, इसे क्यू से डिनोट करते हैं, और यह एक अदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम इसके गुणों की। नंबर एक के असमान आवेश आकर्षण व्यक्त करते हैं। अगर दो आवेश विपरीत हैं, असमान हैं, यानी कि एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। दूसरा है समान आवेश प्रतिकर्षण व्यक्त करते हैं। अगर दो आवेश हैं आपके पास में, एक माइनस क्यू दूसरा भी माइनस क्यू, तो दोनों एक दूसरे से क्या व्यक्त करेंगे सर, प्रतिकर्षण, एक दूसरे को धकेलेंगे, ठीक है। चाहे दोनों धनावेश भी हैं, पहला भी प्लस है दूसरा भी प्लस है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। अगला है किसी निकाय का आवेश संरक्षित रहता है, यानी कि कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जो चार्ज होगा वो संरक्षित यानी कि फिक्स होता है, कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि आवेश ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, ठीक है ना। किसी भी निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम एक कंघी को अपने बालों में रगड़ रहे थे, तो उससे जो आवेश उत्पन्न हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों का जो लेन देन हो रहा था, बस इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले गए, लेकिन ना तो नष्ट हुआ ना कोई नया इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है। तो किसी भी निकाय का जो आवेश होता है वो संरक्षित होता है। अगला होता है आवेश क्वांटीकृत होते हैं। आवेश कैसे होते हैं, क्वांटीकृत। क्वांटीकृत मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। यानी कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है ई, कितना होता है ई। अगर हमने किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उस पर आएगा ऋण आवेश, और जिसने दिया है वो धन आवेशित हो जाएगा, लेकिन वो आवेश होगा कितना, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो सर फिक्स है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा, 2E। किसी पर तीन इलेक्ट्रॉन है तो 3E, प्लस का भी धनावेश भी होता है ऋणावेश भी होता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। चार इलेक्ट्रॉन है तो 4E के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कितने इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा उस वस्तु पर आवेश, Ne। उस वस्तु का जो आवेश हो जाएगा क्यू वो हो जाएगा Ne, क्या हो जाएगा Ne, इसे बोलते हैं क्वांटीकृत। आवेश जो होता है वो योगात्मक प्रकृति का होता है। कहने का मतलब भाई आवेश जो है अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है।
और अदिश राशियां तो भैया सीधी सीधी जुड़ जाए करती हैं, इसलिए आवेश कैसा है, एक योगात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें किसी सिस्टम का अगर नेट चार्ज निकालना हो तो जो उस सिस्टम के अंदर अलग अलग पॉइंटों पर चार्ज है उन चार्जों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि वह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशियां सीधी जुड़ जाया करती हैं, सदिश राशियां जो अपने डायरेक्शन के हिसाब से जुड़ती और घटती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और जिन बच्चों ने नोट किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो हमें कमेंट करें, हम जो है अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ आप हमसे इस लेक्चर के जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड तक वीडियो देखने के लिए।